जो कानून है, जो एक्ट है, सबसे पहले नशा मुक्त करना है ताकि हमारा समाज सुरक्षित रहे और दिव्या प्रधान को न्याय मिलना चाहिए। फांसी तो क्या, फांसी का सजा तो अभी खेल हो गया है। फांसी का सजा आज एक जन को देंगे, आप लोग 10 जन खड़ा हो जाएगा। जब तक हम लोग ग्रास रूट से, हमारे समाज से नशा का हम लोग निर्मूल नहीं करेंगे, हमारा समाज इसी तरह जलता रहेगा दुख और दर्द में। थैंक यू। तो नशा मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सिस्टम में जो रेवेन्यू है सरकार को मिलती है, जिससे देश चलता है, लेकिन हमारे समाज में हम लोग तो सचेत हैं, हम लोग तो कुछ कर सकते हैं एकबद्ध होकर। और जाति धर्म के लोग, हम लोग एकता में शक्ति होता है। अगर ऐसा है तो प्रत्येक समाज के लोग सचेत हो जाइए, अपने अपने गांव को, अपने अपने बेटियों को यदि बचाना है तो हमें एकजुट होकर इसको हम लोग निर्मूल कर देंगे। हम लोग जहाँ पर वैसी हो रहा है उसको हम लोग समन दमन करेंगे और जड़ उखाड़ के फेंक देंगे। यही मेरा कहना है। हम भला तो सब भला। हमको कानून आकर 24 घंटा हम सबको रक्षा नहीं करेगा, इसीलिए अपना अपना सुरक्षा के लिए हमें भी स्टेप लेना चाहिए। मैं चंपावरी ग्राम पंचायत से बोल रहा हूँ, और चंपा में जो रैली हुआ आज बहुत बढ़िया हुआ, और इस बारे में हमारे पवन भैया जो हैं कुछ बोलेंगे। तो इस केस में अगर कानूनी कार्रवाई क्या कर सकता है, ये आप कुछ बोल सकते हैं पवन भैया? ऐसा है कि ये जो मर्मान्तिक दुर्घटना है, इस घटना को लेकर के मतलब हम लोग की अंतरात्मा से बहुत ही ये आवाज निकलती है कि इतना बड़ा, अभी इतना शिक्षित दुनिया चल रहा है, इसके बावजूद भी ऐसा घटना घट रहा है। इस पर हम ये कानूनी कार्रवाई का ऊपर में आप जब बात कर रहे हैं, तो कानूनी कार्रवाई के ऊपर में अक्सर हम देखते हैं कि समाज में ऐसा क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इस क्राइम बढ़ने के बाद कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि कानून में जाने के बाद में उन लोग 3 महीना जेल में जा करके बेल होकर के फिर हम आए दिन समाज के चारों तरफ सीना तान कर घूम रहे हैं। इसीलिए हम बार एसोसिएशन से, इस मंच की तरफ से बार एसोसिएशन से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कम से कम ऐसा विक्टिम का केस ना ले और ऐसी क्राइमिनल को बचाने की चेष्टा ना करें। जो प्रावधान है कानून के तहत उसको उचित सजा जो है वो, जिस तरह फांसी ऐसा हो तो आए दिन उसको देख करके और क्राइम रुक सकता है। और ऐसी घटना हमारे समाज या कहीं पर भी अगर ऐसा हो तो कानून व्यवस्था से लेकर सभी को हम लोग, सिस्टम को भी हम लोग जन सब एक होकर आवाज बुलंद करेंगे। आने वाला समय हम लोग एकजुट होकर, एकताबद्ध होकर इसके प्रतिवाद में सब समय सजग और सचेत रहेंगे। धन्यवाद। उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे गांव से जितने भी हम लोग उपस्थित हुए हैं, 1 मिनट के लिए हम लोग मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि देंगे। सबसे पहले तो मैं इस घटना के लिए बहुत दुख प्रकट कर रही हूँ कि आज हमारे बीच जो दिव्य प्रधान भवन है, आज उसको शर्मनाक एक मौत दे दिया गया। आज जिसने ये किया है, मैं उससे अपील करती हूँ, सरकार से भी अपील करती हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा, यानी कि उसको फांसी की सजा देनी चाहिए, और ताकि ऐसा दुष्कर्म कोई और करने की कोशिश भी ना करे, करने से पहले इसको सोचे। तो हम लोग का एक ही मांग है, हम लेडीज, हमने औरत की ओर से एक ही मांगे, जो भी ऐसा सजा करता है उसको फांसी की सजा देना चाहिए।